सिचुएशंस में हम किस तरह से बिहेव करते हैं, या फिर जो एक मास्क होता है ना, उसको पर्सनालिटी का नाम दिया गया। और क्या पढ़ा था हमने, पर्सनालिटी में किन चीजों से मिलके अपना पर्सनालिटी बढ़ती बनती है। मैं बताऊं, यस बच्चे, पर्सनालिटी इज अ पैटर्न ऑफ रिलेटिवली परमानेंट ट्रेट्स एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट गिव बोथ कंसिस्टेंसी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ अ पर्सनल बिहेवियर। मींस के इट्स जस्ट द वे हु यू आर विल हैव एंड विल बिकम। ट्रेड्स का क्या इंपोर्टेंस? मैम आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, इतनी स्लो है कि बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। बच्चे ट्रेड्स का क्या रोल है टूवर्ड्स पर्सनैलिटी, के पर्सनैलिटी में ट्रेड्स क्या रोल प्ले करती हैं, जिसको हम कहते हैं ना पर्सनैलिटी ट्रेड्स, तो वो क्या रोल प्ले करती हैं? मैम मैं बताऊं, पर्सनैलिटी ट्रेड जो है वो हर पर्सन के अंदर जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या जो स्टेबल क्वालिटीज होती है जो अदर पर्सन जिसको ऑब्जर्व कर सकता है उसको। ओके कितनी टर्म्स जो थी हमने डिफाइन की थी पर्सनालिटी में? मैम फाइव टर्म्स थी। अच्छा, उसमें से पर्सनालिटी टाइप्स क्या थी? मैम जो एक काफी पर्सन में जो ट्रेट्स कॉमन होती हैं उनको पर्सनालिटी टाइप कहते हैं। ओके और जो डिफरेंट थियरीज थे उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था अबाउट पर्सनालिटी, क्यों उन्होंने पर्सनालिटी थियरीज दी, क्या वजह थी? मैम अपना पर्सनल बैकग्राउंड देख के और उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया और उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से और मोस्ट इंपॉर्टेंटली द यूनिक वे ऑफ लुकिंग टू द वर्ल्ड, दैट आर द बेसिस ऑफ डिफरेंट थियरीज। जब बेटा कोई आंसर आंसर करे तो बेटा अपना नेम जरूर बोलें और रोल नंबर, ठीक है? मेरा नंबर दस था और 7207 रोल नंबर। ओके और जो है नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, व्हाई मेक अ वर्स मेक अ थ्योरी यूजफुल, इसमें क्या था? मैम इसमें उसने ये बताया कि एक अच्छी थ्योरी वो होती है कि जो हम लोगों को नेम आपका कुरतुल एन 7225। ओके मैम उस टाइम ये कहा था कि एक थ्योरी वो होती है जो हमें ज्यादा से ज्यादा हमें ना उसके प्रेडिक्शंस दे कि ऐसे भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकती है और ठीक भी हो सकती है। और एक थ्योरी अच्छी वो होती है जो फल्सिफेबल हो और जो काफी ज्यादा रिसर्च को हम प्रमोट करें, रिसर्च को और काफी अलग अलग कंडीशन में प्रमोट करें और काफी ज्यादा हाइपोथेसिस को वो बता रहा हो कि ये भी ठीक हो सकता है और ये भी ठीक हो सकता है और रिसर्च के लिए जो ज्यादा डाटा प्रोवाइड कर रहा हो। बाकी किसी स्टूडेंट ने नहीं बेटा पढ़ा इन स्टूडेंट्स के अलावा? अच्छा ह्यूमैनिटी का क्या कॉन्सेप्ट था जो थियरिस्ट ने दिया था कि क्या है ह्यूमैनिटी? मैम ह्यूमैनिटी में पर्सनल ग्रोथ पे मतलब फोकस करते हैं और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे। योर नेम प्लीज। और शिजा स्मीन। अच्छा शिजा, जी जी मैम। ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज में उन्होंने ये कहा था कि इसमें जो पर्सन है वो खुद पे ज्यादा फोकस करता है, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करता है, सब्जेक्टिव ह्यूमैनिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटी जो थियरिस्ट ने दिया था। मैम इसमें वही थ्योरीज की टाइप्स नहीं थी जो मतलब इसके 5 फैक्टर्स थे। अच्छा पर्सनैलिटी टाइप्स और मैंने अदर कॉन्सेप्ट बताए थे, इसमें क्या था? मैम इसमें सादिया लियाकत 7216 मैम पर्सनैलिटी टाइप में ये था कि जो थे कार्ल जंग और स्विस ने, इन्होंने ना दोनों ने यही दो पर्सनैलिटी की मेन टाइप बताई थी कि पर्सनैलिटी की दो ही मेन टाइप होती है, एक एक्सट्रोवर्ट और एक इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट में ये होता है कि हम मतलब कॉन्फिडेंट एक जो पर्सनैलिटी होती है और सोशलेबल जो लोग आ जाते हैं वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में आते हैं। और इंट्रोवर्ट में ये था कि ज्यादा मतलब सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होते हैं, शाइनेस आती है, इतने ज्यादा सोशलेबल नहीं होते, ये चीजें आ जाती हैं इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी में।
और मैम इसमें अदर जो चीज़ें देखी थी वो एक सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ स्टीम था। सेल्फ कंसेप्ट में ये हमने देखा था कि ये आइडिया या फिर कंसेप्ट जो हमारा अपने ही बारे में होता है ना, इसको सेल्फ कंसेप्ट कहते हैं, मतलब हम अपने आप को क्या कंसिडर कर रहे हैं। और सेल्फ स्टीम में ये था कि जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट का भी कहा जाता है, तो सेल्फ स्टीम में ये था कि हम अपनी अपनी जो वर्थ और अपनी वैल्यू ये कितनी जान रहे हैं या किस नज़र से देख रहे हैं खुद को, ये देखा था मैम हमने। देन हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में डिस्क्राइब योर व्हाट इज व्हाई हाउ यू कैन डिस्क्राइब योर पर्सनालिटी इन वर्ड। मैम डिस्क्राइबिंग योर पर्सनालिटी में हमने देखा था कि हम पर्सनालिटी को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, मतलब इसमें हम अपनी स्ट्रेंथ देखते हैं, फियर्स देखते हैं, जो भी हमारी मतलब कि अपने बारे में, जैसे एक्सट्रोवर्ट है मैम। सादिया लियाकत 7216। आप कोई और बताएं ना, सादिया ना बताएं। मैम एक बंदे को जो रिलेटिवली स्टेबल बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं और जो कंसिस्टेंसी होती है उसमें, उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं एज अ पर्सनालिटी किसी भी इंडिविजुअल के। अली हमजा बेटा आप बताएं, आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे पर्सनालिटी? देखिए हमारी पर्सनालिटी किस टाइप की है, कि हम इंट्रोवर्ट हैं या ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं, क्योंकि हमें अपने पर्सनालिटी का ज्यादा पता होता है दूसरों के निस्बत, कि हम ज्यादा केयरिंग है, ज्यादा काइंड है, कि मतलब हम ज्यादा काइंड है या दूसरों के निस्बत जो है वो दूसरे हमें जज करते हैं, लेकिन हमारी पर्सनालिटी ज्यादा हमें पता होती है, हमारी जो अंदर जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हम दूसरों से डिफरेंट हैं। ओके, हाउ डज पर्सनालिटी डेवलप? जो पर्सनालिटी होती है ये ओपन इंटरेक्शंस होते हैं टेंपरामेंट, कैरेक्टर, एनवायरनमेंट के। ओके बेटा, फर्स्ट आपका बेटा नेम बोला करें, आप जब आंसर करें तो नेम बोला करें। यस मैम। कैसे हम पर्सनालिटी को देखते हैं या आप लोग देखते हो? पर्सनालिटी को हम इस तरह देखते हैं कि इंसान का बिहेवियर कैसा है, कि वो अच्छा ट्रीट कर रहा है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है। अगर हम अपनी पर्सनालिटी की बात करते हैं तो लोग हमें दिखाते हैं, हम लोग का फोकस नहीं है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मैं बताऊं? यस आप बताएं। मैम जो हमारी पर्सनैलिटी होती है वो ये शो करवा रही होती है हम किसी पे क्या इम्प्रेशन शो कर रहे हैं, और दूसरा ये जब हम अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं तो जब हम आई वर्ड को यूज करते हैं इसमें हमारी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, वीकनेस, स्ट्रेंथ, एवरीथिंग आ जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था, हाउ अदर सी अस? मैम इसमें हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट रिलेशंस में किस तरह का रोल प्ले करते हैं, मतलब कि जैसे हम एग्जांपल ले लें, एज अ ब्रदर जो होगा हमारा रोल डिफरेंट होगा, एज अ सिस्टर जो होगा रोल डिफरेंट होगा, फ्रेंड्स में डिफरेंट होगा। मैम बेसिकली इसमें हम मोस्टली जो है ना अपनी आउटवर्ड अपेयरेंस की बेस पे जो होता है वो पर्सनैलिटी को जजमेंट करते हैं, कोई भी हमें जिस तरह हमारे आउटवर्ड अपेयरेंस में देखेगा वो उसी वे में जो होगा हमारी पर्सनैलिटी की जजमेंट कर ले। ओके, अक्सर पहले बेटा नाम बोलते हैं फिर आंसर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक, कौन बताएगा? मैं बताऊं? कुरतुल ऐन। बेटा आपने आंसर कर दिया था एक जवाब का कि नहीं किया था, बता दें आप ही बता दें। मैम कर दिया था पहले, बता दें। मैम स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वो होती हैं कि जो एक पर्सन की जो वेरी ना हो, जैसे वो किस तरह बिहेव करता है सर्टेन कंडीशंस में, लाइक अगर कोई कंडीशन है जो वो हैंडल नहीं कर पा रहा लेकिन फिर भी उसके अंदर वो पेशेंट है उस कंडीशन को ना वो फिर भी हैंडल कर रहा है, लेकिन कोई ऐसी कंडीशन हो कि वो एकदम से ना वो गुस्सा कर जाए या कभी कुछ हो जाए वो उसकी स्टेबल करेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगी। जो प्रेडिक्टेबल करैक्टरिस्टिक्स वो हैं जो मतलब हम लोग खुद से ना उसको अजम्पशन बना लेते हैं कि नहीं ऐसी कंडीशन होगी तो वो इस तरह करेगा, लेकिन स्टेबल करैक्टरिस्टिक्स वो होती हैं कि जो बंदे की चेंज होती रहे। यूनिक करैक्टरिस्टिक क्या था? रोल नंबर 03 तस्बीहा फकर यूनिक करैक्टरिस्टिक्स में आता है कि एक इंसान
दूसरे तमाम इंसानों से किस तरह से यूनिक है, उसमें ऐसी कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से वो दूसरों से अलग शो होता है। ओके, नेक्स्ट हमने प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ी थी पर्सनालिटी की, क्या थी पर्सनालिटी की डेफिनेशन? मैम मैं बताऊं, जैन बतूल 7240 पर्सनालिटी होती है यूनिक रिलेटिव और इंटरनल एंड एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ आवर करेक्टर। हम कह सकते हैं कि हम जो अपने माहौल के मुताबिक डिफरेंट बिहेवियर हमारा जो चेंज होता है, हमारा जो बिहेवियर अपने माहौल के मुताबिक इन्फ्लुएंस होता है, दिस इज ऑल अबाउट आवर पर्सनैलिटी। लाइक ये एक वर्ड पर्सोना से ड्राइव है पर्सनैलिटी, जिसका मतलब है हाउ द मास्क वी यूज टू एक्ट इन अ प्ले। Okay. In which setting we play and wear the mask? मैम जैसे अदर पीपल हमें कंसीव करते हैं, हम उसको ही हम अपनी पर्सनैलिटी कह सकते हैं कि हर पर्सन के हमें कंसीव करने का, हमें जज करने का स्टाइल और होता है। हम सबके स्टोरी में सेम नहीं होते हैं, तो जिस पर्सन पे हमारा जो इस्पेक्ट होगा वो हमारी पर्सनैलिटी होगी उस पर्सन की सोच के मुताबिक। ओके, सोशल मीडिया का क्या अफेक्ट था पर्सनालिटी एंड सोशल मीडिया, इसका क्या लिंक? मैं बताऊं? एक मिनट बेटा, एक मिनट। नेम बेटा? मैम गजाला, गजाला राव, ठीक है। यस मैम, 7240 मैम, सोशल मीडिया जो से हमारी पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, पॉजिटिव भी करता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव इस तरह से करता है कि जब हम टीवी में फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे कोई भी पॉजिटिव प्रोग्राम्स देखते हैं, तो उससे जो पॉजिटिव चीज़ें वो हमारी पर्सनैलिटी में काफ़ी चीज़ें पिक करते हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी का हम उसे पार्ट बनाते हैं। नेगेटिव ऐसे करते हैं, अगर हम टीवी पे वायलेंट प्रोग्राम्स देख रहे हो तो वो हमारे अंदर एग्रेशन आ जाता है, एंगर आ जाता है, वो एग्रेशन एंगर की वजह बनता है, नेगेटिव पर्सनैलिटी की तरफ मूव करता है। तो सोशल मीडिया का पर्सनैलिटी में रोल बहुत ज़्यादा होता है। ओके, मरियम अफजल बेटा, आपने हैंड रेज किया, ये कंसेप्ट बताएं, आर यू द सेम पर्सन ऑनलाइन? मैम इसका मतलब ये कि हम लोग जब समटाइम्स ये फेसबुक हो गया, इस तरह जो हम लोग सोशल मीडिया के नेटवर्क्स यूज करते हैं, यहाँ पर हम जो दिखा रहे होते हैं लोगों को कि हम ऐसी लाइफ गुजार रहे हैं, या फिर हम इधर गए हैं इस तरह वगैरह, हम रियलिटी में वैसे पर्सन नहीं होते। हम दिखा कुछ हो रहे होते हैं लेकिन रियलिटी में हम वैसे बिल्कुल भी नहीं होते। और एक फेक मास्क है जो हम लोगों ने पहना होता है लोगों को दिखाने के लिए, समटाइम्स हम लोगों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए ऐसे करते हैं पोस्ट वगैरह। तो इसका मतलब ये कि हम लोग ऑनलाइन कुछ और हैं लेकिन रियलिटी में कुछ और होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, हाउ डज द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस आवर पर्सनालिटी? फातिमा कमर, हम सोशल मीडिया हमारी पर्सनैलिटी काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। इस पर डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरह यूज़ करें। जैसे कि अगर हम कोई चीज़ देखते हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट आता है तो उसको भी हम अपनी पर्सनैलिटी में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। इसमें कोई भी फैक्टर हो सकता है जो कि हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, और इस पर भी डिपेंड करता है कि हम उसका पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं कि नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है, हाउ डज आवर पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस आवर यूज़ ऑफ मीडिया? तस्बीहा फखर 7203, हमारी पर्सनैलिटी में जो भी ट्रेट्स होंगी, फॉर एग्जांपल अगर किसी में एम्पथी ज़्यादा है, किसी को मोटिवेशन स्पीकर बनने का बहुत शौक है, इसी तरह से वो सोशल मीडिया को उसी तरह से यूज़ करेगा। जो जिसमें ऐसी क्वालिटीज होंगी कि वो मोटिवेशन स्पीकर बन सकता है, तो वो सबसे पहले सोशल मीडिया पर बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखेगा, उनकी स्पीच सुनेगा, और वो नॉलेजेबल जो कंटेंट होगा उसको रेट करेगा। इसी तरह से हर पर्सनैलिटी ट्रेट जो है, डिफरेंट टेम्परामेंट्स होते हैं इंसान के, वो डिफरेंट सोशल मीडिया को यूज़ करने पे इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके गुड, लास्ट हमने जो पढ़ा था द रोल ऑफ रेस एंड जेंडर इन शेपिंग पर्सनैलिटी, ये इसके बारे में कुछ बताएं, क्या कॉन्सेप्ट था ये, कि कैसे रोल ऑफ रेस एंड जेंडर क्या रोल प्ले करती है पर्सनालिटी शेप? मैम इसका ये था कि जैसे हम आपने हिंदुइज्म की जो मरियम अफजल, बेटा आपका हो गया, रुबा का भी हो गया, उसके बाद अरीशा है, आसमा अली है, फारिया है, बेटा आप लोगों ने नहीं पढ़ा,
मैम मैंने किए हैं आंसर. बेटा नेम आपका? मैम अस्मा अली 7227. एक मिनट बच्चे. मैम मैं बताऊं 7234. 7236. इसने आंसर नहीं किया बेटा, वो आंसर करे तो ज्यादा अच्छा है ताकि मुझे पता चले कि आप स्टूडेंट्स ने है पढ़ा है, इंटरेस्ट लेके पढ़ा है. और बेटा ये मैम रोल ऑफ रेस एंड जेंडर इन शेपिंग पर्सनालिटी में ऐसे असर करती है जैसे मतलब अगर एग्जांपल की बात करें कि अगर जिस तरह माइनॉरिटीज होती हैं हमारे पाकिस्तान में माइनॉरिटीज क्रिश्चियन है तो अगर हम उनके सामने मिसबिहेव करेंगे उनके ही रिलीजन को बुरा भला कहेंगे तो उनकी पर्सनैलिटी पर बुरा असर होगा, मतलब वो डिग्रेड करना शुरू कर देंगे, इस तरह उनकी पर्सनैलिटी पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है. तो ये रेस और जेंडर शेपिंग में मतलब ये काफ़ी इम्पैक्ट डालती है. 7236. ओके अच्छा बच्चे फातिमा बाप को आवाज़ आ रही है मेरी? चलिए नेक्स्ट हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं. आज जो लेक्चर का टॉपिक है द रोल ऑफ कल्चर इन शेपिंग पर्सनैलिटी. सेम जैसे जेंडर और माइनॉरिटी ग्रुप जो है या एथनिक ग्रुप लगा लें वो अफेक्ट करते हैं पर्सनैलिटी पे, ऐसे जो है कल्चर, आप लोगों का कल्चर जहाँ आप रह रहे हैं लेकिन जब आप यहाँ पे माइग्रेशन करते हैं या माइग्रेट होते हैं तो वो भी अफेक्ट डालता है, ठीक है, इन्फ्लुएंस डालता है आपकी पर्सनैलिटी पे, ठीक है. लाइक अगर हम बात करें कि आप लोग जो है लाइक अक्सा लगा लें या वर्दा ही लगा लें कि ये मूव कर जाती हैं अदर कंट्री में मूव कर जाती हैं तो इन पे जो है अदर कंट्री का क्या आएगा, इन्फ्लुएंस आएगा, ठीक है, अदर कल्चर का इन्फ्लुएंस आएगा इनकी पर्सनालिटी पे. वैसे ड्रेसिंग लगा लें, मैनर्स लगा लें, बिहेवियर लगा लें वैसे से अडोप्ट करेंगे, ठीक है, एक इंडिविजुअल जो है. और उसके अलावा कल्चर, आपकी कल्चर वैल्यू, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है बच्चों तो आपको पता है कल्चर और रिलीजन को लेके कैसे साथ चलना, ठीक है, विद इन द लिमिट्स, ठीक है, कैसे ये चीज़ें जो हैं अफेक्ट कर रही हैं. आप गर्ल्स हो या बॉयज़ हो तो आपने अपने कल्चर को लेके कैसे जो है अपनी पर्सनैलिटी को जो है शो करवाना है, इन्हांस करना है या वेल मैनर जो है वे में बिहेव करना है, क्योंकि जो आप प्रेजेंट कर रहे होते हो ना इन फ्रंट ऑफ अदर्स वो आपकी पर्सनैलिटी और जो है वो जज करते हैं आपके फैमिली बैकग्राउंड को, कि किस फैमिली बैकग्राउंड से है, ठीक है, ये चीज़ बड़ी शो कर रही होती है, मतलब शो आपकी पर्सनैलिटी में, आपका बिहेवियर, आपका डीलिंग का वे, ये सारी चीज़ें अफेक्ट कर रही होती हैं. ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कल्चर में कि आप कौन से कल्चर से बिलोंग करते हो, ठीक है, जो कि ज़्यादा अफेक्ट करती. डेफिनेटली जेनेटिक जो है और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस दोनों होते हैं, ठीक है, आपकी जीन्स में या आपके हेरिडिटी में है कि आप लोगों ने बहुत काम रहना है या बहुत हम्बली बात करते हो, प्रो सोशल बिहेवियर रिलेटेड जो एक्टिविटी है यानी कि आपके फोर फादर से आपको मिली है, लेकिन आपको इन्वायरमेंट मिल जाता है वैसा, स्पोर्टिंग इन्वायरमेंट मिल जाता है, स्पोर्टिंग कल्चर मिल जाता है, जिसकी वजह से जो है आपका जो है ये वेल मैनर का बिहेवियर या दूसरों की मदद करना जिसको प्रो सोशल बिहेवियर कहते हैं वो जो है इन्हांस हो जाता है और ग्रूम हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ आ जाती है कल्चर. आपका कल्चर कितना अफेक्ट कर रहा है, आप कल्चर से कितना इन्फ्लुएंस ले रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आप रह रहे हो आपका फैमिली बैकग्राउंड आ जाता है, आपकी सोसाइटी आ जाती है, आपकी स्ट्रीट आ जाती है, ये सारी चीज़ें आपकी कल्चर है. आपको यानी कि आपकी फैमिली आपको बताती है कि हमारा ये कल्चर है, हमारी ये वैल्यूज़ है, ये नॉर्म्स है, इसके अकॉर्डिंग जो है हमने चलना है. अगर आप इसमें जो है कौन कौन सा फैक्टर में लिखे हुए, इमिग्रेशन, जब माइग्रेशन होती है अदर सिटी में लगा लें, आप पाकिस्तान के हैं, हम लोग पाकिस्तान में डिफरेंट सिटी के इवन के डिफरेंट फैमिली कल्चर्स हैं जो कि अफेक्ट होते हैं पर्सनालिटी पे, ठीक है. उस अगर कल्चर की बात करेंगे, अदर रिलीजन्स की बात करेंगे, उसमें इस्लाम आ गया, उसमें क्रिश्चियंस आ गए, उसमें जो है हिंदुइज्म आ गया, उनका कल्चर भी अफेक्टेड था. अगर आप हम देखें तो फंक्शन लगा लें, एक जो शादी का फंक्शन है वहाँ पे कितनी ज़्यादा जो अदर जो है रिलीजन की जो है हम लोगों ने वैल्यूज़ लगा लें या ट्रेडिशन जो है वो अडॉप्ट किए हुए हैं, ठीक है, ये चीज़ आ जाती है. अच्छा हम कल्चर की बात कर रहे थे कि बहुत सारी ऐसी जो है जिसके कह लें कि ट्रेडिशन जो है हमने अदर कल्चर के अडोप्ट किए हुए हैं,
जिसका अफेक्ट आता है, ठीक है, ये चीज़ आती है। यही बात है कि अगर हम अदर कंट्री में जाते हैं, अदर सिटी में जाते हैं, आपका जो है वो अफेक्ट करता है आप पे कल्चर, उसका आप वैसे से रहना जो है स्टार्ट करते हैं, वैसे से जो है ड्रेसिंग लगा लें, बिहेवियर लगा लें, ये सारी चीज़ें जो हैं अफेक्ट कर रही होती है। उसके अलावा था डिफरेंट कल्चर बिलीफ अबाउट डेस्टिनी, ठीक है, कैसे जो है डिफरेंट कल्चर का अपनी फेट पे या डेस्टिनी पे जो है बिलीव था। आप अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, कैसे जो है आप लोग बताएं कि आपका कैसे जो है बिलीव है टुवर्ड जो है लगा लें फेट लगा लें और या हैप्पीनेस पे लगा दें, ये हैप्पीनेस जो है कैसे क्रिएट होती है, ये होता है अल्लाह ताला जो भी करता है वो हमारे लिए बेहतर होता है। तो यही है, मतलब हम इसी तरह पे किस्मत पे बिलीव करते हैं अपनी पे कि जो लिख दिया गया वो मिलके रहेगा। बिल्कुल मैम, मोर ओवर हमारा ये भी एक बिलीफ है कि दुआएं तकदीरें बदल देती हैं, इसलिए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो हमारे हक में बेहतर है वो हो। उसके अलावा मैम, अगर ये कि हमारे साथ आज कोई ट्रेजेडी होती है, कुछ बुरा होता है, तो हम सब्र करें और अल्लाह पे भरोसा रखें, तो नेक्स्ट टाइम अल्लाह हमारे सब्र का हमें फल देता है और कुछ अच्छा मिलता है हमें उसके बदले। यस, ऐसे ही है मैम। कुछ लोगों का बिलीव ये भी होता है कि अगर कंटिन्यूअसली किसी के साथ 2-3 दफा बुरा हुआ हो तो वो फिर उनका इस चीज पे बिलीव बन जाता है कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, तो जो भी कुछ होता है तो फिर वो अपनी किस्मत को ब्लेम देते हैं कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। और जिन लोगों के साथ बहुत अच्छा हो जाता है तो फिर वो कहते हैं हमारी किस्मत अच्छी है तो इस वजह से अल्लाह ने हमारा साथ दिया। और मैम, इन सारे एस्पेक्ट की वजह से हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो नेगेटिव या पॉजिटिव दो एस्पेक्ट में मूव करती है। बिल्कुल बेटा, ये हम में बेटा दोनों टेंडेंसी मौजूद है। जैसे हम कल्चर की बात कर रहे हैं ना, बिलीव्स की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली हम लोगों के एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन जो है वो लीड करती है कि हम कैसे जो है इनको हम देखते हैं या लेते हैं कि कैसे जो है ये फैक्टर हमें जो है हैप्पीनेस की तरफ लेके जाते हैं या अनहैप्पीनेस की तरफ लेके जाते हैं या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। ये इंडिविजुअल भी बेटा डिपेंड करता है, आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। कोई जो है आप लोगों में से स्टूडेंट जो ज़्यादा सेंसिटिव होगा, एक बात को बार बार सोच ही जाएगा, या लेकिन आप लोगों ने कहा कि उस एक के साथ बुरा एक्सपीरियंस होता है या अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वैसे वो वे ऑफ थिंकिंग हो जाती है, ठीक है। ये आप लोगों के बेटा बिलीव्स हैं, आपका जितना स्ट्रॉन्ग बिलीव होगा अपने अल्लाह पे या किसी और रिलीजन के अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो जो मानते हैं उस पर, तो उतने ही बेटा आप लोगों की पर्सनैलिटी में पॉजिटिविटी आएगी, उतना ही बिलीव जो है आपका स्ट्रॉन्ग होगा और आपकी पर्सनैलिटी भी वैसे स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। ये चीज़ आ जाती है।